फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन डॉग एसोसिएशन। मैं अंकित जोशी और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हाउ टू ट्रांसफ़र अ रजिस्टर्ड डॉग, रजिस्टर्ड मतलब केसीए रजिस्टर्ड डॉग इन योर नेम। मतलब ये है, दो ये सिनेरियोज आते हैं। पहला सिनेरियो, आपने कोई पपी परचेज किया है केसीए रजिस्टर्ड, तो आपने कॉन्टेक्ट किया फीमेल ओनर को, ठीक है, उसके यहाँ से आपने पपी लिया, या फिर मेल ओनर्स को कांटेक्ट किया वहाँ से आपने पपी लिया है, ठीक है, वो आपको पपी देंगे। फिर जब तक पेपर्स आएंगे तो वो पेपर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने उस पे ब्रीडर से, जो जिसके पास मदर और फादर है, उस ब्रीडर से आपने पेपर भी ले लिया, पपी भी ले लिया। अब जो वो पेपर होगा वो आपके नेम में नहीं आएगा डायरेक्ट, क्योंकि जो फर्स्ट ओनर होता है वो होता है या तो फीमेल का ओनर या फादर का ओनर, तो उसके नेम में पेपर आते हैं। जैसे कि मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे टाइसन के पेपर हैं और इसका नाम सुल्तान है पेपर में। अब ये जो सुल्तान है आप देख सकते हो, ये मुकेश कुमार के नेम में है, मतलब जो इसका ओनर है वो मुकेश कुमार, मतलब ये मैंने मुकेश कुमार से पपी लिया है, क्योंकि जो टाइसन की मदर है वो मुकेश कुमार की यहाँ की है, ठीक है। तो अभी ये मुकेश कुमार के नेम में पेपर है, बट इसको मैं अपने नेम में कैसे करवाऊँगा ये, और ये कराना भी ज़रूरी, क्योंकि कल को आप अपने उस डॉग को वही किसी शो में ले जाते हो या उससे पपीज़ लेते हो, ब्रीडिंग करते हो, तो वो मुकेश कुमार के नेम में तो नहीं आएगा, वो आपके नेम में आना चाहिए, और सारी डिटेल्स आपकी होंगी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो इस जो पहले ये पेपर आएगा केसीए रजिस्टर, इसको मैंडेटरी है कि वो उसको आपको अपने नेम में करवाना है, ठीक है, पहली चीज़ ये है। अच्छा, अब आप बोलोगे अगर मेरे नेम में हो जाता, जैसे अभी ये मुकेश कुमार के नेम में है, मैं इसको अपने नेम में अभी ट्रांसफ़र करवाने वाला हूँ, तो जब ये मैं करवा दूंगा तो क्या यहाँ पर अंकित जोशी आएगा, ये जो मुकेश कुमार आ रहा है यहाँ पर? तो नहीं। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि हु इज़ द ब्रीडर, इसमें दो नाम होते हैं, ब्रीडर कौन है, वही वो मुकेश कुमार है, क्योंकि उसी ने ब्रीडिंग की है अपनी, उसकी जो फीमेल है उसकी, तो ब्रीडर में मुकेश कुमार आएगा। ये रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू, ये उसका आता है वही किसके नेम में रजिस्ट्रेशन जाना है, या तो ये मेल के ओनर के आएगा या फिर जो फीमेल है उसके ओनर का आएगा, ठीक है। तो मतलब मदर या फादर का, मेरे कहने का मतलब है, अभी ये भी मुकेश कुमार के यहाँ की थी, क्योंकि जो फीमेल ने पप्स दिए थे वो मुकेश कुमार के यहाँ थे, तो वो मुकेश कुमार ही नेम है। अब जब इसको मैं अपने नेम में करवाऊँगा तो आप ये देखिए पीछे, ये ट्रांसफर्स के कॉलम है, तो एक पेपर ये चार बार हो सकता है, इसमें छोटे छोटे कॉलम से 1 2 3 4, तो ये एक पेपर चार बार ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी जैसे ये मुकेश कुमार के नेम में, अब ये मेरे नेम में जाएगा, तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, पहले कॉलम में ट्रांसफ़र टू, तो इसमें आ जाएगा अंकित जोशी, ट्रांसफ़र ऑन किस डेट को हुआ ये सब आ जाएगा, ट्रांसफ़र नंबर, ये तीन चीज़ मेंशन होंगी, ठीक है। तो ये सब केसीआई वालों का ही काम है, हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र लिखकर आ जाएगा सिर्फ, और उनकी स्टैम्प लग जाएगी। अब मेरे नेम में हो गया, अब हो सकता है मुझे भी सेल करना है कि भाई मुझे ये पप अब नहीं रखना, या कोई भी एक्स वाई जी रीज़न से मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो सेकंड ओनर का यहाँ पर नेम आ जाएगा, पहले इधर मेरा लिखा रहेगा फिर इधर, तो एक ही पेपर पे अलग अलग नाम चढ़ते जाएंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये ट्रांसफ़र ऐसे होता है। अब ट्रांसफ़र कराने का प्रोसीजर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसफ़र फॉर्म कैसा होता है। देखिए ये ट्रांसफ़र फॉर्म है, इसका मैं जो फ़ोटो है वो आपको भी कर भी दूंगा एक बार अच्छे से हाईलाइट। इसके अलावा एक मिनट, हाँ ये हाईलाइट भी कर दूंगा, और साथ के साथ मैं लिंक भी दूंगा कि आप कहाँ से ये फॉर्म कर सकते हैं डाउनलोड, और इस फॉर्म का नेम है फॉर्म एफ, ये देखिए, ठीक है। तो ये केसीआई का फॉर्म एफ है, और इसको आपको ट्रांसफ़र कराने में ये फॉर्म चाहिए होगा। अब क्या प्रोसीजर होता है, ये हमारे पास फॉर्म भी है और ये हमारे डॉग के पेपर्स भी हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ हैं हमारे पास। अच्छा, जब भी हम किसी ब्रीडर से लेते हैं तो वो क्या करता है, अपना एक फॉर्म भर के देता है, एक मिनट,
ये फॉर्म भर के देगा, क्योंकि इसमें दो साइड होती है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, पहली है इधर फ्रॉम और इधर है टू, मतलब कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। फ्रॉम मतलब ओल्ड ओनर उसका, ठीक है, या प्रीवियस ओनर कहेंगे, और टू में प्रेजेंट ओनर मतलब मेरा नाम आएगा। जैसे एग्जांपल दूँ, फ्रॉम मुकेश टू अंकित जोशी, ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो अब जैसे अभी मैंने एक जर्मन शेफर्ड परचेज की है, एडल्ट है, तो देखो उन्होंने ये मुझे पेपर दिए हैं, ये जर्मन शेफर्ड के पेपर हैं, बहुत अच्छी लाइन के पप्स हैं ये, मतलब फीमेल है तो पप्स भी अच्छे होंगे, अच्छी लाइन की फीमेल है ये। और ये मैं आपको बताता हूँ, ब्रीडर जो है इसके वो हैं नीरज कुमार पांडे, बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे, तो ये उनके यहाँ की है। आप देख सकते हैं इसमें ये लिखा है ब्रीडर नेम, ये रहा जो मेरी फिंगर है, ब्रीडर नेम नीरज कुमार पांडे, ठीक है जी। अब ये नीरज भाई ने ये मुझे फॉर्म फिल करके दिया है, ये देखिए, तो यहाँ पर नीरज भाई ने अपनी डिटेल्स डाल दी। अब इधर बोला है कि भाई टू में अंकित भाई आप अपनी डिटेल्स डाल के इसको पोस्ट कर दीजिए KCI में, ठीक है। अब इसको हम वन बाई वन फिल करते हैं कि कैसे कर होता है ये सब। देखिए, आपने ये ट्रांसफर पेपर आपने ले लिया, फर्स्ट थिंग है इसमें ब्रीड और वेराइटी, भाई किस ब्रीड का पप है। तो जैसे मैंने जर्मन शेफर्ड का बताया था, उसमें जर्मन शेफर्ड डाल दिया, आपके रॉटवेलर है रॉटवेलर डाल दिया, हस्की है तो हस्की, जो भी ब्रीड है वो डाल दीजिए, ठीक है। सेकंड है सेक्स, उसका क्या है, मेल है या फीमेल है, ये डाल दिया। थर्ड नंबर है KCI रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जैसे कि अभी मैं अपने इसका दिखाता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। ये पहले पे आएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर, तो सुल्तान का नाम आ गया, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे डॉग का। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, माइक्रोचिप नंबर नहीं डलेगी, याद रखना रजिस्ट्रेशन नंबर ही डलेगा, ना कि माइक्रोचिप नंबर, कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ ईयर करके होता है, जैसे 2021/2021 स्लैश करके ऐसे कुछ नंबर होगा, वो होता है KCI रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो भी आपका डॉग है उसका पेपर से देखिए कि क्या है KCI रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डालिए। फिर रजिस्टर्ड नेम क्या है, रजिस्टर्ड नेम होगा जैसे जो भी नेम यहाँ पर मेंशन होगा फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर रजिस्ट्रेशन नेम है, सेकंड पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जैसे मेरे जो मेरा डॉग है उसका नाम घर का तो टाइसन है, लेकिन उसका पेपर में सुल्तान आया है, तो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नेम में आ जाएगा सुल्तान, ठीक है। फ्रॉम में उसकी डिटेल्स आ गई, इसमें मिस्टर मिसेज लगा के फिर नेम आ जाएगा, जैसे मिस्टर मुकेश कुमार, और फ्रॉम में फिर एड्रेस, जो उनका एड्रेस होगा मेंशन KCI ऑफिस में वही वाला एड्रेस, नीचे उनका फ़ोन नंबर डलेगा और ईमेल आईडी डलेगी। ईमेल आईडी नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन नंबर डालना ज़रूरी है। तो फ्रॉम में उनका नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है, ये फ्रॉम वाले में आएगा प्रीवियस ओनर का। फिर नीचे उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी है, सिग्नेचर करा लीजिए, और किस डेट, अपनी एक कोई डेट डाल दीजिए जिस दिन भी आप ये सब काम करा रहे हो। इसके राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा टू का ऑप्शन, टू में आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, मतलब किसके, अब ये कौन है इसका न्यू ओनर, सिंपल सी इतना है। अब जैसे इसमें आ जाएगा मिस्टर अंकित जोशी, मेरा एड्रेस डल जाएगा, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी, डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, आपने किस दिन खरीदी है तो वो डेट डाल दीजिए, नीचे उसके सिग्नेचर एंड देन अगेन डेट डलेगी। तो बस इतने इतना सा एक छोटा सा ये फॉर्म है, इसको फिल करना है, इसके बाद हम लोग नीचे इसमें DD या फिर पोस्टल, उसके कैसे हम पेमेंट करते हैं और कितना पेमेंट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई डॉग है उसको हम ओनरशिप के लिए ट्रांसफ़र कराते हैं विद इन 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर अगर आप कराते हो ट्रांसफ़र, तो आपके जो चार्ज जाएगा वो जाएगा 118 रुपीज़। लेकिन यही अगर 12 मंथ से 1 मंथ भी एक्स्ट्रा हो गया, चाहे 13 मंथ्स हो गया, तो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 590। तो आप देखिए अराउंड 4 टाइम्स एक्स्ट्रा है, ठीक है, 4 to 5 टाइम्स। तो अगर आप एक साल के अंदर करा लेते हो तो आपको देने पड़ेंगे 118, और अदरवाइज आपको देने पड़ेंगे 590 रुपीज़, ठीक है।
अब ये चार्जेस आप कुछ भी हो, चाहे आप 1 साल में कराओ या 1 साल के बाद, इतना चार्ज लगेगा। इसके अलावा क्या चार्ज लगेगा वो बताता हूँ, ₹90 पोस्टल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है, मैं ट्रांसफ़र कराने के लिए पेपर्स दूंगा, तो ये मैं अपना ओरिजिनल पेपर प्लस ट्रांसफ़र लेटर इन दोनों का सेट KCI को मेल करूँगा, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट वगैरह से मैं मेल करूँगा, फिर ये वहाँ से ओरिजिनल पेपर पर ही पीछे ट्रांसफ़र होकर मेरे नाम में आएगा। तो KCI वाले आपको फिर से पेपर भेजेंगे आपके नए एड्रेस पे, मतलब न्यू ओनर के एड्रेस पे, क्योंकि पहले पेपर गए होंगे वो ब्रीडर के यहाँ गए होंगे, ये आपके घर पे आएंगे जो आप न्यू ओनर का एड्रेस है वहाँ पे। तो यहाँ पर पीछे ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल पेपर भी भेजना ज़रूरी है, अगर ये नहीं भेजोगे तो पूरा मामला गड़बड़ है। ओरिजिनल पेपर प्लस ट्रांसफ़र लेटर, ये दोनों चीज़, प्लस इसकी फीस जो भी है 118 या फिर 590, आप कब भेजते हो उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ₹90 का पोस्टल चार्जेस, क्योंकि KCI वाले आपको भेजेंगे पेपर्स, तो उसका चार्ज लग रहा है ₹90, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, 118 प्लस 90 तो ₹208 का तो लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र कराते हो, ठीक है। और 680 लगेगा अगर आप 1 साल के बाद ट्रांसफ़र कराते हो पेपर्स, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, जब भी आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपको IKG सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। तो IKG सब्सक्रिप्शन का क्या चार्जेस है वो बताता हूँ। अगर अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊँगा ये IKG सब्सक्रिप्शन है क्या चीज़। एक्चुअली क्या होता है, ये इंडियन कैनल ऑफ गैजेट होता है इसकी फुल फॉर्म। और ये लोग क्या करते हैं, आपके घर पे एवरी मंथ एक मैगज़ीन भेजते हैं, तो ये मैगज़ीन लेना ज़रूरी है। तो ये उसका चार्ज है, ये एक ओनर के अंदर एक मैगज़ीन का ये मतलब सब्सक्रिप्शन हो तो ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास दो पप्स हैं, एक मेरा टाइसन रॉटवेलर और एक मेरी फीमेल एलिना जो कि जर्मन शेफर्ड। तो मैंने जब दोनों पेपर ट्रांसफ़र कराने डाले, तो ये नहीं है मुझे दो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेंगी। अगर मेरी एक सब्सक्रिप्शन है, मतलब मैं वहाँ से मैगजीन्स ले रहा हूँ या उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया, तो एक ही सब्सक्रिप्शन काम करेगी। ये नहीं है कि हमको दो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेंगी, भाई दो मैगजीन का क्या करोगे आप, वो भी जानते हैं KCI वाले कि ये तो मतलब लूट हो जाएगी। तो इसलिए एक सब्सक्रिप्शन है, इनफ है। तो अगर एक भी नहीं है आपके पास, तो आपको एक लेना ज़रूरी है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो अगर ऑलरेडी आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है कोई भी सब्सक्रिप्शन तो लेने की ज़रूरत है। इसका चार्जेस है ₹600 फॉर 1 ईयर एंड ₹1000 फॉर 2 ईयर्स। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप ₹600 या ₹1000 की सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेते हैं और आप ट्रांसफ़र भी करा रहे हो, ठीक है। जो कि हमारे, अगर मैं 1 ईयर के अंदर की बात करता हूँ, तो हमारे ₹208 जो बन रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आप 600 प्लस 208 जो भी हो, तो मतलब ₹808 का आप एक साथ DD बना दो या उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दो KCI को, ये गलत हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लोग गलती करते हैं, एक साथ पेमेंट नहीं जाती है। ट्रांसफ़र वाली जो ₹208 थी वो एक सेपरेट पेमेंट होगी, और जो IKG सब्सक्रिप्शन की पेमेंट है वो एक सेपरेट पेमेंट होगी, दोनों का एक साथ पेमेंट नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ, अब मैं आपको ज़रा शो करता हूँ। और अभी तो मैंने जो फॉर्म बताया था वो उसका था ट्रांसफ़र का, IKG का भी फॉर्म होता है, वो देखिए ये फॉर्म है छोटा सा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन ऑर्डर नंबर ये आपको नहीं लिखना, ये KCI वालों का, इसको फॉर्म G बोलते हैं, ट्रांसफर लेटर फॉर्म F था और ये फॉर्म G है, ठीक है। इसमें लिखा सब्सक्रिप्शन ऑर्डर नंबर, हमको नहीं पता, वो लोग KCI वालों की डिटेल्स है। काइंडली फिल अप दी इन दी कैपिटल लेटर्स, मतलब सारे जो भी लिखना है सब कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फ्रॉम मतलब किस महीने से आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो जिस मंथ में आप मतलब अप्लाई कर रहे हो वो डाल दीजिएगा। नीचे नेम, अपना नेम डाल दीजिए, फिर पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है।
और फ्रॉम, एक यहाँ पर है फ्रॉम दी मंथ ऑफ, किस महीने से आपको ले रहे हो। एक और चीज़, सब्सक्रिप्शन 1 ईयर की ले रहे हो या 2 ईयर्स की ले रहे हो, उस पर टिक लगा दीजिए। और आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, एक दो पे तरह से, या तो मनी ऑर्डर या और डीडी, तो जैसे भी आप कर रहे हो उस सेक्शन पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। और डीडी टू बी ड्रॉन इन दी फेवर ऑफ द इंडियन कैनल गैजेट, ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया की डीडी नहीं बनेगी, ये अलग पार्ट है द इंडियन कैनल गैजेट, प्लीज़ इसको याद रखिए। दो अलग अलग पेमेंट होनी है, एक साथ मत कर देना, पैसा डूब जाएगा और कुछ काम भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका पेमेंट अलग होना है फॉर्म जी का, और ये द इंडियन कैनल गैजेट पे पेमेंट होगा। और फॉर्म एफ जो कि ट्रांसफ़र का है, इसका होगा पेमेंट द कैनल क्लब ऑफ इंडिया का, ठीक है। एक अच्छी चीज़ ये है कि अब डीडी मनी ऑर्डर इनके बजाय हम लोग इनको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आप इनको अपने बैंक से NEFT वगैरह करके उसका जो भी पेमेंट किया उसका स्नैपशॉट का प्रिंट आउट लगा के, और इन ये जो पेपर्स आप दोगे ना, ओरिजिनल पेपर, ट्रांसफ़र लेटर और IKG सब्सक्रिप्शन, इसी के साथ जो आपने पेमेंट कर रखी होगी उसका भी स्नैपशॉट लगा के अटैच कर दीजिए, वो भी वर्क कर जाता है। तो अब मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ, बैंक में DD VD बनवाने का सीन नहीं है। तो ये हो गया हम लोग कैसे करते हैं किसी भी पेपर को ट्रांसफ़र। और इसके अलावा कुछ और हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी पुरानी वाली वीडियो के बाद काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि सर अप्लाई करना तो आ गया लेकिन ये ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, या फिर मैंने अभी किसी से परचेज़ किया है पपी और अब उसको मुझे मेरे नाम में ट्रांसफ़र करना है, वो कैसे करूँ। तो वो इसकी ये प्रोसीज़र है, ये ऐसे आप करिए वो ट्रांसफ़र। और वैसे तो ये है कि जब भी कोई अच्छा ब्रीडर होता है तो वो आपको जब पप देता है तो वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र लेटर को अपना पार्ट फिल करके देता है कि भाई ये मेरा पार्ट फिल हो गया, सिग्नेचर एंड ऑल, अब तू अपना पार्ट डालकर और आराम से ट्रांसफ़र करा लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये नीरज भाई ने किया था, तो ये नीरज भाई की डिटेल्स देख के इधर ये डाल रखी थी इन्होंने, इधर मैं अपनी डालूंगा और ये मैं ट्रांसफ़र के लिए भेज दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो प्लीज़ आप पिंग कर सकते हैं, फ़ोन पर भी कांटेक्ट करते हो ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा हेल्प किया यार। तो ठीक है, और कुछ टॉपिक हो तो प्लीज़ बताएं। साथ के साथ पप्स भी अभी अच्छे आ रखे थे, रॉटविलर अपनी होम ब्रीडिंग के पप्स थे, और लकीली अभी सिर्फ एक फीमेल रह गई है सोल्ड के लिए, बाकी सब सोल्ड आउट हो गए हैं, वो भी हो जाएगी। अभी पप्स तो छोटी हैं, 26 डेज़ के हुए हैं। तो इसके अलावा और भी पप्स हैं, किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने ब्रीडर भाइयों के, क्योंकि वो उनको थोड़े कम नॉलेज रहती है, और कभी कभी क्या होता है कि करवा लेंगे ट्रांसफ़र, 1 साल के बाद उनको इतना लॉस भी हो जाता है कि 118 से 590 का चार्जेस लग जाए। सो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।